I am going for NDA meeting. In course of time, anything, we'll report you. Thank you. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything, we'll report you. Thank you. और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन सांसद सफाई के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आधा दर्जन सांसद जो है वो सफाई के लिए रवाना हुए हैं। समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सपा सांसद। कई और सांसद भी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंच सकते हैं। एक बड़ी जीत, एक बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी को मिला है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में सबसे पहला कदम नवनिर्वाचित सांसदों का, पार्टी के मुखिया, पार्टी के कर्ता धर्ता, पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंच के उनको पुष्प अर्पित करेंगे। और आपको बता देते हैं कि यूपी में बीजेपी को 2019 की तुलना में काफी नुकसान हुआ है। सूबे की वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जिनसे न्यूज 18 ने बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि जातीय मुद्दा विकास पर भारी पड़ गया, अति आत्मविश्वास से भी नुकसान हुआ है। सुनिए। अलग अलग जगह अलग अलग कारण है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमको जिसने नुकसान पहुंचाया, पहले से ही लोगों को ये लगने लगा था कि हम तो जीत गए। इस आत्मविश्वास ने हमको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि हमारा लीडरशिप के ऊपर भरपूर विश्वास है और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने भी आवश्यकता से अधिक, उम्मीद से अधिक मेहनत की। सर, विपक्षी पार्टियों को अगर देखा जाए, खासकर समाजवादी पार्टी, अभी निकाय चुनाव में कुछ दिन पहले आपसे बुरी तरीके से हार हुई थी, आप लोग बड़े अंतर से चुनाव निकाय चुनाव का जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें, क्या लग रहा है आपको कि आखिर वो कौन सा मुद्दा, क्या संविधान की जो बदलने की अफवाह थी वो नीचे तक पहुंच गई? इस चुनाव में जातिवाद का प्रभाव भी बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया, और जो 2019 में इतना प्रभाव नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार उसका भी प्रभाव बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। लेकिन मैं, मेरा विश्वास यह है कि वोट का आधार तो डेवलपमेंट होना चाहिए, और विकास और जाति में जब एक चीज को चुनना पड़ता है, तो ये मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए उचित नहीं है कि हम विकास को छोड़कर किसी इस प्रकार की चीजों को महत्व दें। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साहब को आप सुन रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।